मंदसौर नगर पालिका सभागृह में देवर्षि नारद जयंती के विषय पर आयोजित व्याख्यान का हुआ भव्य आयोजन, बड़ी संख्या में रहे पत्रकार मौजूद। मंदसौर नगर पालिका सभागृह में आज 7:35 पर देवर्षि नारद जयंती का भव्य कार्यक्रम किया गया, जिसमें कोरोना की बीमारी के समय में जिन पत्रकारों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में अपने परिवार और अपनी परवाह नहीं करते हुए लोगों को घर बैठे न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल के माध्यम से पल पल की जानकारी दी, ऐसे पत्रकारों का भी स्वागत किया गया। मंदसौर के वरिष्ठ पत्रकार सहित फोटोग्राफर सहित संपादक भी कोरोना की जंग जीत कर फिर लौटे हैं। ऐसे पत्रकारों का स्वागत कर उनकी लंबी आयु की कामना भी की गई है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नरेंद्र सिंह राजावत पूर्व अपर कलेक्टर द्वारा की गई। मुख्य अतिथि प्रदीप कुमार कीमती उद्योगपति, मुख्य वक्ता प्रोफेसर आशुतोष व्यास अध्यक्ष समाजशास्त्र परिषद राजस्थान मौजूद थे और कहा गया कि आज के युग और पहले के युग की पत्रकारिता में काफ़ी अंतर आ गया है, क्योंकि पहले खोजी पत्रकारिता होती थी और कई गलत काम करने वाले लोग खोजी पत्रकारिता के कारण जेल की सलाखों के पीछे भी जाते थे, पर आज के युग में सोशल मीडिया काफ़ी तेज हो गया है और प्रिंट मीडिया की खबरें बाद में आती है और सोशल मीडिया की खबरें तुरंत अपने मोबाइल में आ जाती हैं। इसलिए इस दौर को बदलना होगा जिससे प्रिंट मीडिया का नाम कायम रहे। जिला प्रेस क्लब मंदसौर के अध्यक्ष ब्रजेश जोशी द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि यह कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाता था, पर 2 सालों से कोरोना की बीमारी होने के कारण किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था, इसलिए मंदसौर में भी कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं हुए और अब सभी कार्यक्रम हो रहे हैं। बताया कि जिन पत्रकारों ने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए लोगों को घर बैठे समाचार दिए, ऐसे कोरोना योद्धा के रूप में पत्रकारों का भी सम्मान किया गया। कई पत्रकार तो ऐसे थे जो परिवार ही कोरोना की चपेट में आ चुका था और उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी। यह कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रेस क्लब मंदसौर एवं विश्व संवाद केंद्र मालवा द्वारा आयोजित किया गया था। इस आयोजन में जिला प्रेस क्लब अध्यक्ष ब्रजेश जोशी, जिला प्रेस क्लब सचिव पुष्पा राज सिंह राणा, प्रेस क्लब कोषाध्यक्ष राहुल सोनी, समाजसेवी राजा राम तंवर, अजीजुल्ला खान, महावीर अग्रवाल, अजय वड़ोड़िया, पत्रकार जितेंद्र शर्मा, सचिन जैन, रमेश चौहान, विपिन चौहान, जगदीश वसुनिया, विशाल सोनी, उमेश नेक्स, पंकज परमार, जितेंद्र देवड़ा, शाहिद पठान, अनिल गुप्ता, संजय परवाल, प्रहलाद शर्मा, नेमी चंद राठौर, दीपक शर्मा, अन्य पत्रकार सामाजिक संगठन मौजूद थे। पहले का युद्ध तो सर एक्चुअल में एक लेखन का बहुत बड़ी वो थी, उस समय लिखने की प्रवृत्ति थी सभी में। वर्तमान में हर व्यक्ति जो है शॉर्टकट हो गया और ख़ासकर जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तब से ये प्रवृत्ति में काफ़ी बड़ा परिवर्तन हुआ, क्योंकि अब जो है न्यूज़ आपको डायरेक्ट पेड न्यूज़ जिसे कहते हैं वो भी मिल जाती, कई बार जो है सीधी न्यूज़ आपके पास आ जाती है, आपको उतनी मेहनत नहीं करनी, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। और केवल पत्रकारिता में नहीं बल्कि पूरे युवा वर्ग में ये हुआ, चाहे किसी भी क्षेत्र को आप देख लो, आईटी वाला क्षेत्र देख लो, इवन जिसको आर्ट्स अपन बीए कहते हैं, बीए तक में लिखने की प्रवृत्ति कम, इवन जो एग्ज़ाम आपने देखा होगा कि पहले डिस्क्रिप्टिव होते थे, आजकल ऑनलाइन के कारण वो ऑब्जेक्टिव, उससे भी लेखन की प्रवृत्ति सब में कम हो। आज समाज में आपने देखा होगा निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद, इस प्रकार की प्रतियोगिता में युवाओं का बहुत बड़ी रुचि नहीं, और यही कारण है कि युवा पीढ़ी का जो पत्रकार है वो इन चीज़ों से इतना जुड़ा हुआ नहीं। आपने कहा कि खोजी पत्रकारिता आज के युग में खत्म होती जा रही है, क्या? अब खोजी पत्रकारिता को ख़त्म इसलिए भी थोड़ा उसके पीछे पॉलिटिकल शायद प्रेशर रहता होगा, तो एकदम लोग जो है कोई भी पत्रकार बिना जो है उस अखबार के ऑनर के बिना उसको नहीं छाप सकता है, क्योंकि एक बार आज ये भी एक कटु सत्य है कि जो भी संपादक है उस संपादक को कई बार जो अपने ऑनर से जो है उस परमिशन लेके ही वो न्यूज़ छाप सकती है, फिर तो खोजी पत्रकारिता में इसीलिए एक ये बहुत बड़ा परिवर्तन है कि आप कोई भी न्यूज़ एकदम नहीं छाप सकते। थैंक यू। देवर्षि नारद सृष्टि के प्रथम पत्रकार माने जाते हैं, हम सभी पत्रकार उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, इसलिए मानते हैं क्योंकि उनका ध्येय लोक कल्याण और जनमंगल था। उन्होंने
सृष्टि में देवत्व के गुणों से परिपूर्ण होकर एक ऐसे आदर्श सृष्टि का निर्माण और आदर्श समाज के निर्माण की पृष्ठभूमि तैयार की है। मंदसौर जिला प्रेस क्लब और विश्व संवाद केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में नगर में देवर्षि नारद जयंती मनाने की पुरानी परंपरा है। यह संभवतः 5वां आयोजन है। इसी क्रम में मुझे याद आता है कि इसी स्थान पर नगरपालिका सभागार में भानपुरा पीठ के पूज्य शंकराचार्य दिव्यानंद जी महाराज का भी दिव्य उद्बोधन नारद जयंती पर हुआ था। उसके बाद पंडित देवेश्वर जी जोशी ने अपना व्याख्यान यहाँ दिया नारद जयंती पर, जिसमें इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी जी भी सम्मिलित हुए थे। और 2019 में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर जी वाजपेयी पधारे थे। तो यह आयोजन लगातार चलते निरंतर जारी रखने का संकल्प रहा, लेकिन पिछले 2 वर्ष जो कोरोना काल के रहे, यह कार्यक्रम भी अन्य कार्यक्रमों की वजह से स्थगित रखा गया, नहीं किया जा सका। और आज फिर से प्रभु की कृपा हुई है कि कोरोना खत्म हुआ है और सारे आयोजन हो रहे हैं। तो फिर से विश्व संवाद केंद्र और मंदसौर जिला प्रेस क्लब ने देवर्षि नारद जयंती पर यह कार्यक्रम किया है। और हमें इस बात की खुशी है कि हमारे जितने भी मीडिया परिवार के साथी हैं, जिन्होंने कोरोना के काल में हर तरह की भूमिका निभाई, स्वयं भी कोरोना से लड़े, अपने परिवार की जंग में वे साथ रहे, पड़ोसियों, परिचितों, रिश्तेदारों की मदद करी, खुद अपनी जान को जोखिम में डाला। और कुछ मित्र तो हमारे ऐसे हैं जिन्होंने स्वयं भी बहुत लंबा कष्ट कोरोना काल में देखा। और एक हमारे साथी महेंद्र जैन दिवंगत हो गए, एक हमारे साथी हैं आकाश चौहान, जिन्होंने लोगों की सेवा कर कर स्वयं वे अस्वस्थ हो गए और अभी भी वे स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। तो मैदान में प्रत्येक पत्रकार ने अपनी श्रेष्ठ भूमिका निभाई है। हमारे पत्रकार नेमीचंद राठौर 95% लंग्स इफेक्ट हो गए थे, हमारे प्रीत शर्मा, हमारे गोलू चौहान जी और पुष्पराज राणा, ये वे हैं जिन्होंने कोरोना से खुद ने जंग लड़ी, कोमल सिंह जी तोमर, महावीर जैन, ये सभी लोग जो हमारे पत्रकार साथी हैं, घनश्याम जी बटवाल, जिनके परिवार से 2 लोग दिवंगत हो गए, लेकिन उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में रह करके और कोरोना काल में जितने भी लोगों ने अपनी सेवाएं की, उन सबका सम्मान किया। घर के 2 सदस्य दिवंगत हो जाने के बाद व्यक्ति के ऊपर कितना एक दुख का पहाड़ रहता है, लेकिन फिर भी उन्होंने सेवा के क्षेत्र को ही सर्वोपरि रखा और सभी कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। मुझे बहुत खुशी है कि आज के इस कार्यक्रम में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष राजस्थान के आदरणीय व्यास जी का मुख्य व्याख्यान हुआ, सभी पत्रकारों का सम्मान हुआ। देवर्षि नारद सृष्टि के प्रथम पत्रकार, उनकी जयंती पर यह आयोजन किया गया।